हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी ओट्स चॉकलेट कुकीज़। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप ओट्स लिया है, इसको हम ग्राइंड करेंगे, और 1/2 कप आटा लिया है। इसके जगह पे आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा मैंने ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए लिया है। और 1/2 कप चीनी, इसको भी हम पाउडर बनाएंगे। तो पहले हम ओट्स को रफली ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल महीन नहीं करना है, बस एक बार मिक्सी में डालिए और चला लीजिए, बस उतना ही। और चीनी को भी हम पाउडर बना लेंगे। देखिए ओट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये चीनी। अब हम 1/4 कप बटर लेंगे जो रूम टेम्परेचर पे हो, और उसमें हम पाउडर शुगर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप स्पून से, विस्कर से, जैसे चाहें वैसे मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ओट्स आटा डालेंगे और कोको पाउडर 2 टीस्पून डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा है वो डालेंगे। मेजरमेंट ऐसे ही आप रखिए। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह से इसको मिलाइए ताकि सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही हेल्दी कुकीज़ बनता है। देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क डालेंगे। हॉट नहीं डालना है, बस रूम टेम्परेचर पर ही हो, वार्म हो तो चलेगा। उसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। आप ऐसे बॉल बनाकर चेक कर सकते हैं, अगर नहीं फट रहा है साइड से तो सही है, नहीं तो थोड़ा सा और दूध मिला सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बॉल आप सेम साइज़ के बना लीजिए। ये कुकीज़ बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें ओट्स है, आटा है, हमने मैदा नहीं डाला है। और आप यहाँ शुगर के जगह पर जगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, वो डालकर भी बना सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से छोटे छोटे बॉल में डिवाइड कर लेंगे। देखिए अब इसे हम थोड़ा सा बिस्किट के साइज़ का, कुकीज़ के साइज़ का फ्लैट करके फिर रखेंगे। हल्का सा प्रेस करना है, बिल्कुल इस तरह से, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, थिकनेस बिल्कुल इतना ही रखिए, और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें तो छोटा, नहीं तो बड़ा भी बना सकते हैं थोड़ा सा। और इसके ऊपर हम चोको चिप्स डाल देंगे, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर दिया है। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे माइक्रोवेव में कर रही हूँ, और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। याद रखिए मैंने 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया था, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। आप थिकनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम घटा बढ़ा सकते हैं, या साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये तो गारंटी है, ये बहुत ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। देखिए ये बेक हो गया है, लेकिन अभी ये बहुत ही गर्म है, तो इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, नहीं तो ये अभी आसानी से टूट जाएगा। देखिए मैंने दोनों साइज़ की कुकीज़ बनाई थी, एक बड़ी वाली और एक थोड़ी सी छोटी। आप देख सकते हैं देखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है। ये बड़ा मैंने बनाया था और ये छोटा वाला। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बनाइए, टेस्ट तो सेम ही रहेगा, बस साइज़ डिफरेंट होगा। और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी।
और ये वाली कुकीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही यम्मी बनता है और हेल्दी तो होता ही होता है, क्योंकि सबको पता है ओट्स कितना हेल्दी होता है सबके लिए, चाहे बड़ों हो या बच्चों। देखने में जितना ये डिलीशियस है, खाने में भी उतना ही है, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर बनाएं। ज़्यादा झंझट नहीं है ये बनाने में, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।